नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएम भारत। पारा शिक्षकों के तेवर कड़े नजर आ रहे हैं। 28 फरवरी को रांची के मोहराबादी में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता संजय कुमार दुबे जी ने की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि 14 मार्च तक सरकार पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान के साथ साथ अन्य मांगों को नहीं मानती है तो 15 मार्च से 19 मार्च तक पारा शिक्षक 5 दिन तक विधानसभा का घेराव करेंगे। बता दें आपको कि पारा शिक्षकों का स्थायीकरण की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से संघर्ष चल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों से वादा किया था कि यदि उनकी सरकार आती है तो आने के 3 महीने बाद ही स्थायीकरण की मांग को पूरा किया जाएगा। परंतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनने के इतने महीने बाद भी सरकार की ओर से पारा शिक्षकों की मांगों को लेकर कोई काम नहीं किया गया है, जिससे नाराज होकर पारा शिक्षकों ने डेरा डालो घेरा डालो के तत्वाधान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा राज्य इकाई के सदस्य और बैठक का संचालन कर रहे प्रद्युम्न कुमार सिंह उर्फ सिंटो सिंह ने कहा कि पारा शिक्षकों को राज्य सरकार से काफी निराशा हाथ लगी है। पारा शिक्षकों की जो स्थिति रघुवर दास की सरकार के समय थी, वही स्थिति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के दौरान है। बजट सत्र के क्रम में 15 मार्च से 19 मार्च तक 5 दिनों का विधानसभा घेराव एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा करेगी। अलग अलग दिनों में अलग अलग जिलों के साथी शामिल होंगे। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों का स्थायीकरण व वेतनमान नहीं हुआ। 22 महीनों से अप्रशिक्षित और एनसी अंकित पारा शिक्षकों के लंबित मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। पलामू के छतरपुर नोडिया बाजार के 436 पारा शिक्षकों के नियमित मानदेय का रास्ता प्रशस्त नहीं हुआ। हम लोगों पर भाजपा सरकार के समय दर्ज हुए मुकदमे वापस नहीं हुए। इन तमाम मांगों को लेकर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तमाम साथी 65,000 पारा शिक्षक विधानसभा घेराव में शामिल होंगे। इस सरकार से पारा शिक्षकों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन 15 महीने बीतने के बाद भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहाँ थे आज भी वहीं हैं। ये बड़े ही आक्रोश और निराशा का विषय है। इसको लेकर इस बार हम सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।